खबर दुर्ग से है, जहां एक महिला का पर्स गुम हो गया, जिसे सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने तत्काल ढूंढकर महिला के सुपुर्द किया। आपको बता दें, शनिवार को माधुरी दुर्वे अपने घर विशाली से दुर्ग जा रही थी, तभी उनका पर्स गुम हो जाने की शंका हुई। इसी दौरान माधुरी दुर्वे दुर्ग सिटी कोतवाली थाने की ओर जा रही थी, तभी माधुरी के पास सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिवा सिंह का कॉल आया और उनसे पर्स के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद माधुरी दुर्वे सिटी कोतवाली थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें पर्स सौंप दिया। इसके बाद माधुरी ने दुर्ग पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया। दरअसल आज सुबह मेरा बैग ट्रैफिक टाइम गाड़ी से गिर गया था, और मुझे बस स्टैंड में पता चला मेरे पास बैग नहीं है। मैं स्टेशन जाई थी, फिर उसी टाइम में मुझे कॉल आया कि मेरा बैग जो है दुर्ग कोतवाली में मिल गया है, इसलिए मैं वापस इधर आई हूँ। आपको मेरा बैग मिला है, उसका मार्क सब सेफ है, और इस चीज़ के लिए मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया करती हूँ। जो है एक बैग और एक क्या व्यक्ति ने अलाकर जो है थाने में बताया कि ये बैग जो है मुझे तारपुरी चौक के पास में मिला है। बैग को थाने में लाने के बाद में उसने चेक करने पे जो है उसमें कुछ आईडीज मिली थी, आईडी के पता करने पे उसमें बैग का जो मालिक है उसका नाम मैडम है, वो उनका नाम मोनिका दुर्वे, वो बालोद जिला में जो है SBI में बैंक में जॉब करती हैं, जिन्हें उन्हें फोन के माध्यम से सूचना देकर थाने में बुलाकर उन्हें हमको